एंटीएयूजीसी ने यानी निमेजिनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले हम थ्योरी क्लास करेंगे। थ्योरी में हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं उसका हम लाइव मॉक टेस्ट लेंगे और आप देखना आपने इस दौरान क्या सीखा है और कितना कुछ आपको आया है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, पहले थ्योरी देखना और उसके बाद में लाइव मॉक टेस्ट जरूर देना। नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास 6। आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं इवैल्यूएशन सिस्टम इन हिंदी। टीचिंग एप्टीट्यूड में मुख्य रूप से 7 तरह के इवैल्यूएशन सिस्टम है दोस्तों। इनमें से यूजीसी नेट में काफ़ी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों और इसको हमें समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है क्योंकि इसमें से आगे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2023 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022-23 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आ चुके हैं वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000 से 8,000 रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम इन टीचिंग एप्टीट्यूड। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में जानने से पहले हमें असेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। असेसमेंट क्या होता है? देखिए इसके अंदर हम स्टूडेंट के अनुभव, उसके विचार, उसके एटीट्यूड और उसके नॉलेज को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम बच्चे की शिक्षा को और बेहतर बना सके। इसे हम क्या कहते हैं? असेसमेंट कहते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की, बात करते हैं मूल्यांकन की, बात करते हैं। इसके अंदर हम मुख्य रूप से यह देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, और इसके लिए हम टेस्ट, ग्रेड, परफॉर्मेंस इत्यादि का उपयोग करते हैं जिससे बच्चे का अच्छी तरह से जजमेंट किया जा सके। और शिक्षा में सबसे पहले असेसमेंट आता है दोस्तों और उसके बाद में क्या आता है? इवैल्यूएशन आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में और असेसमेंट के अंदर मुख्य रूप से क्या डिफरेंस है। इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में से क्वेश्चन आ चुका है। असेसमेंट क्या है दोस्तों? ये ऑन गोइंग है, ये क्या है कि कंटिन्यूस चलती रहती है, समय के साथ साथ चलती रहती है। हम देखते रहते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या उसका एटीट्यूड है, क्या उसमें बदलाव आ रहे हैं। और जबकि इवैल्यूएशन होता है दोस्तों वो लास्ट के अंदर किया जाता है, प्रोवाइड क्लोजर, यानी कि वो एक पूरी समरी प्रदान करता है। जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट आता है लास्ट के अंदर, पूरा साल में एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आता है, तो उसको हम एज ए क्या कहेंगे? इवैल्यूएशन कहेंगे, मूल्यांकन कहेंगे। असेसमेंट क्या है? वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। और असेसमेंट क्या है दोस्तों? वो पॉजिटिव हो सकता है, और ये क्या है? इट इज जजमेंटल होगा। ये क्या होगा? जजमेंटल होगा। ये फाइनल रिजल्ट देगा, भाई इस बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, ये है, ये गलत है, ये सही है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। लेकिन ये क्या, असेसमेंट क्या होगा दोस्तों? ये हमारा पॉजिटिव होगा। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर प्रोवाइड फीडबैक। इसमें असेसमेंट के अंदर फीडबैक होगा दोस्तों। जैसा कि हम देखेंगे कि क्लास के अंदर कोई बच्चा है वो ज्यादा शरारत कर रहा है, अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा, तो हम उसको खड़ा करके पूछेंगे, भाई क्या बात है, तुमने स्टडी क्यों नहीं की, क्या रीजन है, क्या दिक्कत आ रही है? तो वो स्टूडेंट हमें बताएगा कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, घर में प्रॉब्लम चल रही है या बुक्स नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ पता चलेगा, वो फीडबैक देगा। लेकिन इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर हमें फीडबैक नहीं मिलता, इट शो मार्क्स। जैसे कि मार्कशीट आती है, इसके अंदर हमें मार्क्स दिए जाते हैं, उसके अंदर कोई कन्वर्जेशन वगैरह नहीं होती, फीडबैक वगैरह नहीं होता। इट इज क्वालिटेटिव। ये क्या होता है दोस्तों? क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है। इसके अंदर एटीट्यूड वगैरह का पता चलता है कि बच्चा किस वजह से नहीं पढ़ पा रहा,
ठीक है, इसमें हमें पता चलेगा कि हो सकता है बच्चा ज़्यादा खेलता हो सकता है बच्चा झगड़ालू हो, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर बच्चे की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। जबकि इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, इसमें क्वांटिटी की बात होती है, इसके अंदर हमें पता चलता है कि बच्चे के 28 नंबर आए हैं, बच्चे के 78 नंबर आए हैं, इतने नंबर आए हैं, ये हमें क्वांटिटी की बात करता है। आगे हम बात करते हैं इट हैव डायग्नोस्टिक। ये डायग्नोस्टिक होता है, फॉर्मेटिव होता है, सुमेटिव होता है, ये सभी तरह का हो सकता है दोस्तों, हमारा असेसमेंट है। डायग्नोस्टिक मतलब निदानिक, उपचारात्मक, यानी कि मान के चलिए किसी बच्चे में हमें पता चला कि किसी बच्चे के पास ना बुक्स नहीं है, तो हम उसका उपचार कर सकते हैं, उसको पैसे दे के बुक्स वगैरह दिला के उसका उपचार कर सकते हैं, उसकी स्टडी को बेहतर तरीके से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इट हैव ओनली सुमेटिव, ये क्या है, ये लास्ट के अंदर केवल समरी देगा, लास्ट के अंदर बताएगा कि आपका रिजल्ट ये है, इसके अंदर उपचार नहीं किया जाएगा। अगर किसी बच्चे के नंबर 28 है, 100 में से 28 नंबर है, तो उसको फेल कर दिया जाएगा, उसका उपचार नहीं किया जाएगा। तो मेन डिफरेंस असेसमेंट और इवेल्युएशन के अंदर ये है दोस्तों, इन सभी को आप ध्यान से देख लेना, अच्छे से याद रखना, इसमें से पहले क्वेश्चन आया हुआ है। और यह हम शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर करते रहते हैं। असेसमेंट क्या है, कंटिन्यूसली चलता है, ये चीज़ हमने पहले बात कर ली दोस्तों, इसको हम आखिरी में करते हैं और देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, ये चीज़ हमने कर ली दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम की बात करते हैं, ये कितने तरह के होते हैं। इसमें मुख्य रूप से 7 टाइप है दोस्तों इसके, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, प्लेसमेंट इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, सुमेटिव इवेल्युएशन और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन, नॉन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन। ठीक है, ये 7 तरह के। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना दोस्तों, हिंदी में याद मत रखना, क्योंकि हिंदी के अंदर जो वर्ड्स है वो चेंज होते रहते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे कि सर ने तो स्थानानन मूल्यांकन के बारे में बताया था लेकिन एग्जाम के अंदर तो कुछ और ही वर्ड आया हुआ था, ये तो सर ने करवाया नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना इनको। और दोस्तों आप यकीन करना एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज तक आए हैं और इसका हम लाइव मॉक टेस्ट लेंगे, अप्लाई मॉक टेस्ट देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आज तक आए हैं। तो चलिए अब हम टाइप ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम के एक एक सभी टाइप के बारे में बात करते हैं, एक एक टाइप के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर एक पे दोस्तों हमारा कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसको कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, सीसीई का, इसके अंदर इवेल्युएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के प्रत्येक पहलू को देखा जाता है जब वो स्कूल के अंदर प्रेजेंट रहता है, स्टडी करता है, उस दौरान हम उसको देखते हैं, बच्चे ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, किस तरह का उसका व्यवहार है, क्या किससे वो बात करता है, कैसे रहता है, हर एक पहलू को उसको देखा जाता है। जैसा नाम से पता चल रहा है दोस्तों, कंटिन्यूस यानी कि लगातार उसके उसकी निगरानी करना, उसके बारे में एनालिसिस करना, ये क्या है दोस्तों, हमारा कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है और ये सीबीएसई बोर्ड द्वारा सबसे पहले अपनाया गया था। यहाँ पे दोस्तों आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, हमने दोनों में यहाँ पे दिया हुआ, आप यहाँ पे इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ऊपर दोनों में देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है प्लेसमेंट इवेल्युएशन की बात करते हैं। प्लेसमेंट के अंदर, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस तरह का मूल्यांकन तब किया जाता है जब बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन होता है। आप हमने देखा होगा ना, जब बच्चे को, जब मान के चलिए सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में हमारा बच्चा, और हमें लगता है कि इसका स्कूल चेंज करना चाहिए, दूसरे स्कूल के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे वो बच्चे को एडमिशन करने से पहले उसका टेस्ट लेके देखते हैं कि बच्चे को कितना आता है या नहीं आता, तो उस टाइम प्लेसमेंट इवेल्युएशन का यूज़ किया जाता है। प्लेसमेंट, जैसे नाम से पता चल रहा है दोस्तों, प्लेसमेंट करने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है, जो इवेल्युएशन किया जाता है, उसको हम प्लेसमेंट इवेल्युएशन कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि बच्चे को पहले से कितनी नॉलेज है और उस नॉलेज के अनुसार बच्चे को कौन सी क्लास के अंदर एडमिशन देना चाहिए, ये चीज़ होती है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बात करते हैं, और इसके अंदर हिंदी में हम बात करें तो इस तरह का मूल्यांकन समय समय पर किया जाता है ताकि हमें यह पता चल सके कि बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट आया है।
फॉर्मेटिव मीन्स इसको ऐसे एक थोड़ा सा एग्जांपल देके चलता हूँ। फॉर्मेटिव मीन्स फोर, चार बार, यानी कि कंटिन्यू उसका समय समय पर उसको जांचना बच्चे को कि कितना इसमें इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं आया। जैसे मान के चलिए हर महीने हम टेस्ट लेते हैं बच्चों का, पहले महीने टेस्ट लिया उसके अंदर देखा उनकी परफॉर्मेंस कितनी, फिर अगले महीने लेते फिर अगले महीने लेते, तो हमें पता चल जाता कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं आया है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये है हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, और इसको हम इंटरनल इवेल्युएशन भी कहते हैं दोस्तों, इसको आप याद रखना इंटरनल इवेल्युएशन। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, बात करते हैं डायग्नोस्टिक मतलब नैदानिक मूल्यांकन। इसके अंदर डायग्नोस्ट, जैसे नाम से पता चल रहा है डायग्नोस्ट करना, अगर किसी बच्चे में कोई कमी है, जब हम इवेल्युएट कर रहे हैं बच्चे को, एनालिसिस कर रहे हैं बच्चे को, अगर हमें पता चला कि इसके अंदर कोई कमी है, इसको घर में कोई प्रॉब्लम है, इसको मानसिक प्रॉब्लम है या फिर किसी और तरह की प्रॉब्लम है, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसकी दूर करने की कोशिश करते हैं। प्लस में हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर अगर हमें पता चलता है कि कोई बच्चा बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके उसके पास किसी चीज़ का अभाव है, अगर हम उसको वो चीज़ दे दे, जैसे बुक्स दे दे, कुछ गाइड दे दे, कुछ नोट्स वगैरह दे दे, तो ये बहुत ज़्यादा उन्नति कर सकता है। तो वहाँ भी हम उसकी कोशिश करते हैं, डायग्नोस्ट करते हैं उसको बच्चे को। तो दोस्तों ये इसके अंदर होता है, इसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं बच्चे के अंदर। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है नंबर 5 पे सुमेटिव इवेल्युएशन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस तरह का मूल्यांकन हमारी क्लास और कोर्स के बिल्कुल लास्ट में किया जाता है। सुमेटिव मीन्स समरी, इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, सुमेटिव मीन्स समरी, लास्ट के अंदर हम जैसे समरी बताते हुए इसकी ये समरी है, तो इसी तरह से हमारी क्लास के अंदर होता है। हम सबसे लास्ट के अंदर जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है या फिर हमारी क्लास पूरी हो जाती है, तो उसके बाद में हम टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि किसने क्या सीखा या नहीं सीखा, सबसे लास्ट में होता है। और इस दौरान बच्चों को अंक, ग्रेड और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जैसे एनुअल एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों हमारे, वो होता है। और उसके बाद में, और एक चीज़ और दोस्तों, इसे हम एक्सटर्नल इवेल्युएशन कहते हैं, ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इवेल्युएशन कहते हैं। और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को क्या कहते थे, इंटरनल इवेल्युएशन कहते थे, ये चीज़ आप याद रखना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम पहले से ही एक क्राइटेरिया निर्धारित कर देते हैं, भाई आपके इतने नंबर आने चाहिए तभी आप पास माने जाओगे या नहीं माने जाओगे। और जैसे एक चीज़ और एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे मान के चलिए अगर हम पहले से एक क्राइटेरिया निर्धारित कर देते हैं, सर्टिफिकेट में होता है ना कि जिन बच्चों के नंबर 90% से ज़्यादा आएंगे, 90% या 90% से ज़्यादा आएंगे, उनको क्या दिया जाएगा, ए ग्रेड दी जाएगी। जिन बच्चों के 80% से लेके 89% तक आएंगे उनको बी ग्रेड दिया जाएगा, और जिनके 70 से 79% आएंगे उनको कितना दिया जाएगा, सी ग्रेड दिया जाएगा। यानी कि पहले से ही एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन कहते हैं। और हिंदी में ये जो नाम है दोस्तों, ये थोड़ा उठपटांग हो सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इंग्लिश में इसको याद रखने की कोशिश करना। अगर आप यहाँ से चाहे तो इसमें ये हिंदी में देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और दोस्तों जो ध्यान देने वाली है, इसमें हम किसी बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं करते, कंपेयर करके नहीं देखते दोनों बच्चों को कि किसके कम है, किसके ज़्यादा है, कैसे क्या है, ठीक है, कंपेयर नहीं करते। आगे दोस्तों हमारे पास नॉन रेफरेंस इवेल्युएशन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस मूल्यांकन के अंदर एक बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हुए किस बच्चे के ज़्यादा नंबर आए, किसके कम आए, जैसे कि हम बात करके चले, जैसे ग्रुप डिस्कशन की हम बात करें, दो हमने ग्रुप बना दिए, उससे हम सवाल जवाब करते हैं और देखते हैं कि किसके सवाल ज़्यादा राइट है, किसको ज़्यादा नॉलेज है। इसी तरीके से हम बच्चों के अंदर कंपटीशन करते हैं, भाई कंपटीशन आज क्लास के अंदर देखेंगे किसको क्या आता है, कितना ज़्यादा आता है, किसको कितना कम आता है। तो वहाँ पे ना मार्क्स वगैरह नहीं दिए जाते, फाइनल जो रिजल्ट होता है वो मार्क्स में नहीं आता, वो हमें ये पता चलता है कि हाँ ये भी जीता है क्लास के अंदर, ये जीता है, ये फर्स्ट आया, ये सेकेंड आया, ये थर्ड आया है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर हम कंपेरिजन करते हैं, एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपेरिजन करते हैं, और देखा जाता है कि किसने अच्छे ग्रेड प्राप्त किया, फिर किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इसके पीछे क्या कारण है। अगर किसी बच्चे ने मान लो पिछड़ गया कोई बच्चा, तो हम देखते कि इसका रीज़न क्या है और किस वजह से इसके मार्क्स कम आए हैं, मुख्य रूप से इसके अंदर दोस्तों कंपैरिजन किया जाता है।
आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास CBCS, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके देखिए सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, इसका मतलब दोस्तों चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये फुल फॉर्म याद रख लेना दोस्तों, क्योंकि UGC नेट एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। जैसा नाम से पता चल रहा है दोस्तों, इसके अंदर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है। इसके अंदर हम अपने हिसाब से सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो ग्रेड होते हैं वो चुनाव कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे इग्नू के अंदर जो स्टूडेंट इग्नू से स्टडी की है, जिन्होंने या कर रहे हैं, उनके अंदर ग्रेड सिस्टम होता है। वो जैसे कि मान के चलिए 4 ग्रेड का एक सब्जेक्ट होता है, 8 ग्रेड का एक सब्जेक्ट होता है, वो अपने हिसाब से टोटल 32 ग्रेड होते हैं, 32 ग्रेड होते हैं एक एक ईयर के अंदर। तो 32 ग्रेड वो हो सकता है, 8 8 ग्रेड के 4 सब्जेक्ट ले सकता है, या फिर 4 4 ग्रेड के कितने ले सकता है, 16 सब्जेक्ट, नहीं 8 सब्जेक्ट ले सकता है। तो वो उसकी पूरी छूट होती है, वो अपने हिसाब से ग्रेड सिस्टम अपना सकता है। तो और इसके अंदर और क्या होता है दोस्तों, दिस शिफ्ट इज फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो सेंटर जो होता है वो क्या होता है, स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट अपने इच्छा से अपने अनुसार चुनाव करता है अपने सब्जेक्ट्स का, और अपने अनुसार उनको पढ़ता है। इस प्रोग्राम के अंदर विद्यार्थियों को अपनी इच्छा के अनुसार कोर्स चुनने की आज़ादी होती है। यह शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित शिक्षा केंद्रित पर ध्यान देता है। ये चीज़ हमने कर ली दोस्तों, सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं और आपका लाइव मॉक टेस्ट लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं खुशखबरी दे देता हूं, अब आप फ्री में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सभी सब्जेक्ट के फ्री में स्टडी नोट्स, लाइव मॉक टेस्ट और ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। और ये सब आप कैसे ले सकते हैं मैं आपको अभी बताने वाला हूं। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपल गूगल में आना है और यहाँ पे लिखना है UGC नेट और बाद में आपका सब्जेक्ट, चाहे कोई भी हो, जैसे इसमें हिस्ट्री, स्टडी नोट्स और लास्ट में ntugcnet.co.in। अब हम मान के चलते आपका सब्जेक्ट है होम साइंस, तो UGCnet होम साइंस, स्टडी नोट्स ntugcnet.co.in। इसी तरीके से आपका फिलोसफी है तो फिलोसफी लिखना है, हिंदी है तो हिंदी लिखना है। और जैसे ही आप इन लिंक पे क्लिक करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हिस्ट्री का आपको एग्जाम्पल दिखाया है, यहाँ पे आपके सामने PDF आ गई, डाउनलोड PDF, यहाँ पे PDF आ गई, उसके बाद में ये वीडियोज आ गई आपके सामने, और उसके बाद में आपके सामने ये लाइव मॉक टेस्ट आ गए। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। तो और यहाँ पे बेस्ट बुक भी हमने आपको रिकमेंड की है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आप फ्री में ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे ले सकते हैं। इसका तरीका भी सिंपल है दोस्तों, आपको लिखना है UGC नेट आपका सब्जेक्ट, जैसे होम साइंस, UGC नेट होम साइंस ओल्ड पेपर, और लास्ट में आपको सिर्फ एक चीज लिखनी है ntugcnet.co.in। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तब तक आपके सामने रिजल्ट नहीं आएगा। और आपको कुछ भी सर्च करना है तो आपको लास्ट में एक चीज जरूर लिखनी है ntugcnet.co.in। उसके बाद में देखिए, जैसे यहाँ पे ये आ गया, ये लिंक आ गया, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए, ये यहाँ पे पेपर आ जाएंगे। ये देखिए, ये पेपर, ये हमारी आंसर की है देखिए, और ये नीचे पेपर दिए हुए हैं। यहाँ से आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि पेपर फर्स्ट की सभी यूनिट के स्टडी नोट्स आप कैसे ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको लिखना है UGC नेट टीचिंग एप्टीट्यूड 2023, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। 2023 से आपको लेटेस्ट स्टडी नोट्स मिलेंगे, और लास्ट में आपको एक ही चीज लिखनी है ntugcnet.co.in, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड की जगह आप अपना जो टॉपिक है वो चेंज कर देना है। जैसे अगला सर्च रिजल्ट दिखाता हूँ आपको मैं, UGC नेट रिसर्च एप्टीट्यूड 2023 ntugcnet.co.in। तो इस तरह से दोस्तों आप पेपर फर्स्ट के भी सभी यूनिट के स्टडी नोट्स ले सकते हैं। और मैं आपको डेमो दिखा देता हूं, ये देखिए, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने ओपन किया है तो यहां पे आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में हमने यहां पे जो थ्योरी है, थ्योरी यहां पे दी है, हिंदी इंग्लिश में यहां पे हमने दी है ताकि आप अच्छे से समझ सके। ये देखिए, इंग्लिश में भी हमने चीजें लिखी हुई है ताकि आप आसानी से चीजों को समझ सके। और लास्ट में जब आएंगे आप तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग अलग किए हुए मिलेंगे। जैसे ये है सेक्शन और अधिगम के प्रश्न, और उसके बाद में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप फ्री में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सभी के स्टडी नोट्स ले सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड में इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम देखते हैं और आपका लाइव मॉक टेस्ट लेते हैं। देखते हैं आप सभी को कितना कुछ आता है। सभी को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है और जो भी दोस्त इसका राइट आंसर देगा उसे हम मलेशिया के टूर पर ले चलेंगे। हाँ दोस्तों, मलेशिया के टूर पर चलेंगे हम जी। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे गूगल में आना है। तरीका मैंने आपको बताया, यूजीसी नेट टीचिंग एप्टीट्यूड 2023 ntauGCNet.co.in लिखना है और नीचे हमारे सामने पोस्ट आ जाएगी। जैसे ही आप इस 2023 हिंदी में इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाएगी और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। टॉपिक नंबर 6, टाइप ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम इन टीचिंग एप्टीट्यूड। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हैं हमारे वो सभी देखते हैं और आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, नहीं तो पिटाई होगी आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है और ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेशन के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। फीडबैक किसके अंदर होता है, टीचर और स्टूडेंट जब फीडबैक करते हैं एक दूसरे का तो वो किस तरह का हमारा मूल्यांकन होता है, ये चीज़ मैंने बताई थी। कीवर्ड भी आपको बताया था क्या कीवर्ड हमें ध्यान में रखना है, प्लेसमेंट इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक या फिर सुमेटिव इवेल्युएशन, क्या होगा इसका राइट आंसर। मैंने आपको थोड़ा सा एक हिंट दिया था थ्योरी क्लास के अंदर, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो दोस्त राइट आंसर देगा उसे पता है ना मलेशिया के टूर पे लेके जाएंगे हम जी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 और इसके अंदर क्या है, नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है और नैदानिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या करता है, क्या मतलब इसका डायग्नोस का। डायग्नोस बताया था ना मैंने आपको, शब्दों को पकड़ो, डायग्नोस का मतलब क्या होता है, कहाँ पे हम उपयोग करते हैं डायग्नोस का जी। स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेलियर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, क्या होगा इसका राइट आंसर, और या फिर लास्ट में है ये कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई हुई है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है वो हमें बतानी है। यह अनेक परीक्षाओं के कारण छात्रों में कार्यभार में वृद्धि करता है और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई है, याद कर लो, याद कुटाई हो जाएगी आपकी जी। इट रिप्लेस मॉक्स विद ग्रेड्स, इट इवेल्युएट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट, क्या होगा राइट आंसर। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप ये क्वेश्चन पढ़ लेना, वीडियो को रोक लेना, चाहे कुछ भी करना, बट मेरे को जेआरएफ चाहिए आप लोगों से, नेट जेआरएफ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं जी, निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में क्या क्या होता है वो हमें बताना है जी। कंडक्ट ए क्विज सेशन, गिविंग मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन इन पोस्ट इंस्ट्रक्शनल सेशन, गिविंग ए मास्टरी टेस्ट, क्या होगा इसका राइट आंसर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई ना, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा और हिंदी इंग्लिश में आप इसे पढ़ सकते हैं भाई। दोस्तों अभी हमने केवल 4 से 5 क्वेश्चन ही किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और भी हमारे बहुत से क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, 15 से 20 क्वेश्चन। अगर आपको वो सभी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा पेड कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना। ये पेड कोर्स दोस्तों पेपर फर्स्ट का है और इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मिलेगी। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज़ मिलेंगी, 2012 से लेके अभी तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, 2012 से लेके 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज अलग अलग किए हुए मिलेंगे क्वेश्चन। जैसे कि आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे रिसर्च का है वो अलग है, टीचिंग के अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, और इसमें दोस्तों सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग मिलेंगे। सब टॉपिक वाइज का मतलब क्या है, जैसे कि हम बात करें रिसर्च के अंदर, टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ सैंपलिंग, टाइप
टाइप ऑफ हाइपोथीसिस, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। और प्लस में दोस्तों आपका लाइव मॉक टेस्ट होगा हमारी ऐप में, और वीडियोज के जरिए भी आपका लाइव मॉक टेस्ट लिया जाएगा। और किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010। और इसे ज्वाइन करने के लिए दोस्तों ये वेबसाइट पे हमने जो पोस्ट बनाई है इसके नीचे आ जाना सबसे लास्ट में, वहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताना। और एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, और आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और हम आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।